हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जो क्लर्क के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो आपके बताए थे, अपने दो तीन पार्ट उसके हो चुके थे, जिसमें मैंने जीएस आपका करवा दिया है, आपका रीजनिंग मैंने बता दिया उसके अंदर, और आपके मैंने दोस्तों उसके अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज अपने उसके अंदर बात करेंगे अपने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन की, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे आपके वो बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट आपके आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के क्वेश्चन भी आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, काफी दिन से दोस्तों समय नहीं मिल पा रहा है आपको वीडियो बनाने का प्रॉपर तरीके से, तो इस वजह से दोस्तों आप दोस्तों धीरे धीरे आपके दोस्तों आने लग जाएंगे वीडियो। ठीक है, देखो अपने चलते हैं इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो इससे पहले मैं आपको बताया था, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखो असम राइफल 2022 की दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है, इससे दोस्तों पहले वाली जो वैकेंसी थी 2021 की उसके बारे में दोस्तों बताऊंगा मैं। उसमें जो क्लर्क के जो दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, मैंने खुद ने एग्जाम दिया था तो सभी क्वेश्चन मेरे को याद है लगभग, और मेरे जो काफी जो दोस्त वगैरह हैं तो उन सबसे दोस्तों मैंने क्लियर करके आपको क्वेश्चन बताया। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसके अंदर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन दोस्तों भूल जाते हैं। ठीक है, बंदे जो भी आप जाता है पेपर देने के लिए कैंडिडेट, ऑप्शन वगैरह इतने भूल जाते हैं लेकिन क्वेश्चन सबको याद रहते हैं। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर के दोस्तों आज अपने क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन में पेज को कहा जाता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, प्रेजेंटेशन होती है एमएस पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, किसी पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर पेज को, जो पेज होता है उसको, ठीक है, तो उस पेज को क्या कहा जाता है? तो उस पेज को दोस्तों कहा जाता है स्लाइड। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? स्लाइड। उस पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड। तो इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन आए थे जैसे ई स्लाइड, स्लाइड इस तरीके के, तो ई स्लाइड भी लगा हुआ था, तो काफी कैंडिडेटों ने इसके अंदर ई स्लाइड ऑप्शन भी कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है ई स्लाइड इसका दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा इसका दोस्तों स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन अपने चलते हैं इसके अंदर, एमएस ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखो शॉर्टकट की से बहुत क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट की से और फुल फॉर्म से। ठीक है, शॉर्टकट की से और फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपके इसके अंदर भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें बोला गया है कि एमएस ऑफिस में जब कट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डाटा को या एंट्री को अपने कट करते हैं और उसको जैसे किसी अदर जगह पर पेस्ट करते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, तो उस कट करने की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स से अपने क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर डाटा को मतलब कि कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, मेन मेमोरी। अब आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर दोस्तों आपकी जो रोम होती है ना उसी को दोस्तों मेन मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, रोम को दोस्तों, ठीक है, ROM रोम, इसके रोम की फुल फॉर्म आपको सबको पता होगी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर भी काफी सारे होते हैं जैसे EPROM, ठीक है, EPP रोम, ठीक है, EEP रोम, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो आपको ये चीजें सभी याद कर लेनी है, इन सब की आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद देखो दोस्तों CPU की फुल फॉर्म पूछ ली इसके अंदर। देखो इजी क्वेश्चन आए थे पिछली बार, पर ऐसा नहीं है कि आपके जो अब एग्जाम होगा उसके अंदर भी इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, तैयारी आपको बेहतर करनी है। हो सकता है कि आपके पिछली बार की तरह भी पेपर इजी आ जाए, लेकिन हो सकता है अगर पेपर इजी नहीं आया तब दोस्तों आप फंस जाओगे, इसलिए आपको तैयारी बेहतर करनी है। ठीक है, पर पेपर तो पिछली बार दोस्तों बहुत इजी आया था। देखो CPU की फुल फॉर्म पूछी है, तो CPU की फुल फॉर्म आपको पता होगी दोस्तों सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपकी CPU की फुल फॉर्म पूछी गई थी। और उसके बाद ALU की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों, ALU की फुल फॉर्म होती है आपको पता ही होगा दोस्तों अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, यानी तार्किक और दोस्तों सांख्यिकीय जो इसकी होती है, देखो हिंदी के अंदर दोस्तों ये चीज होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब देखो दोस्तों CD की फुल फॉर्म पूछ ली गई, CD का क्या मतलब है? तो CD का आप सबको पता होगा दोस्तों, CD का मतलब क्या होता है आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इस तरीके के दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पता, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, जब अपने किसी भी पावर पॉइंट हुआ या कोई भी अपने दोस्तों अपने जैसे MS वर्ड हुआ, तो उसमें अपने जो नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ठीक है, सॉरी MS वर्ड के अंदर जो अपने नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट का बात हो रही है, तो जब अपने नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एन से दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल
कंट्रोल प्लस एन से दोस्तों आपका इसकी शॉर्टकट की होगी, ठीक है। तो आपको मैं आपको यही बताऊंगा कि शॉर्टकट की आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। दूसरा दोस्तों फुल फॉर्म आपको अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। शॉर्टकट की और फुल फॉर्म इसमें से दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो आपके सामने ही है कि एक दो दोस्तों तीन, ठीक है, चार, ठीक है, चार क्वेश्चन आपके दोस्तों डायरेक्ट शॉर्टकट की से आए हैं। उसके बाद देखो ये रहा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, पांच क्वेश्चन आपके दोस्तों शॉर्टकट की से आए हैं, ठीक है, पांच क्वेश्चन आपके शॉर्टकट की से आए। तो शॉर्टकट की आपके दोस्तों बहुत ज्यादा पूछी जाती है, टोटल आते ही 15 क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से पांच अगर क्वेश्चन अगर शॉर्टकट की से आगे तो ये देखिए आपका लगभग कितना सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है, 33% तो आपके इसमें से आ गया। अब देखो दोस्तों अपने नेक्स्ट चलते हैं, इसका फटाफट आप वो ले लो स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स अब अपने इसके अंदर देखो आगे चलते हैं। देखो इसके अंदर आगे क्वेश्चन है, आज इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस। तो उसके अंदर दोस्तों काफी सारे आपके ऑप्शन थे जिसके अंदर आपका कीबोर्ड था, ठीक है, माउस था, प्रिंटर था, स्पीकर थे, तो इस तरीके के आपके चार पांच ऑप्शन थे। तो उसमें दोस्तों क्या आपका आंसर आएगा दोस्तों, उसके अंदर आएगा आपका कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसा दोस्तों, कीबोर्ड एक ऐसा आपका इनपुट डिवाइस है जिसको आज वर्तमान के अंदर अपने सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस भी दोस्तों वो माना जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका देखो, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया आपका शॉर्टकट की से, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, छह क्वेश्चन आ गए दोस्तों शॉर्टकट की से और फुल फॉर्म से। देखो तो कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सी होगी शॉर्टकट की दोस्तों, वो होगी आपकी कंट्रोल प्लस अल्ट, ठीक है, प्लस डिलीट, ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये आपकी दोस्तों शॉर्टकट की होगी कंप्यूटर को रीबूट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो ठीक है ये आपके ऑप्शन में था वहां पे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम, ठीक है, डेट और टाइम आपका किस में स्टोर होते हैं। तो उसके अंदर आपके ऑप्शन से जैसे रैम हो गया, रैम में स्टोर होते हैं या रोम में स्टोर होते हैं, और एक ऑप्शन था सीमोस बैटरी में स्टोर होते हैं, और एक ऑप्शन था शायद आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रकार के आपके ऑप्शन थे, तो उसके अंदर आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सीमोस बैटरी, ठीक है, सीमोस बैटरी दोस्तों, ठीक है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम आपके कहां पर स्टोर किए जाते हैं, तो वो आपके कहां स्टोर किए जाते हैं, आपके सीमोस बैटरी के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन था, फायरवॉल क्या है। तो दोस्तों फायरवॉल है आपका ये आपका जो नेटवर्क जो होते हैं दोस्तों, जो नेटवर्क होते हैं ना, नेटवर्क की आपकी जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है, ठीक है, जितने भी नेटवर्क होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में था उसमें सुरक्षा संबंधी कार्यों में, ठीक है, सुरक्षा संबंधी कार्यों में, या दोस्तों उसको इंग्लिश में बोल देंगे अपने नेटवर्क सिक्योरिटी में, ठीक है, यानी सिक्योरिटी के पर्पज से इसका यूज किया जाता है फायरवॉल का। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन था, एक्सेल में सूत्र यानी फॉर्मूला डालते समय, ठीक है, हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो उसके अंदर आपके ऑप्शन थे जैसे कि मैं आपको बता दूं, इज इक्वल टू का ऑप्शन था, हैशटैग का ऑप्शन था दोस्तों, एट द रेट का ऑप्शन था, और दोस्तों एक आपका डॉलर का ऑप्शन था, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन थे आपके कि एक्सेल में सूत्र डालते समय, फॉर्मूला डालते समय अपने किस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब अपने फॉर्मूला डालते हैं के अंदर हमेशा, तो फॉर्मूला जब अपने डालते हैं तो उसको अपने इज इक्वल टू के साइन से उसको मतलब अपने स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू का साइन इसका दोस्तों होगा, ठीक है, आंसर। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इसके 12 क्वेश्चन और हो गए, 3 क्वेश्चन और आपके रह जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। फ्रेंड्स अब अपने इसके अंदर लास्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने आ चुके हैं, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे गए थे कि इनमें से क्या इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है, इंटरनेट से क्या क्या संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था कि आपका ऑप्शन ए टेलनेट, एएलयू, यूपीएस या फिर सीपीयू, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा आपका आंसर नंबर एक, ठीक है, ए जो होगा टेलनेट, यही आपका इंटरनेट से संबंधित है। बाकी दोस्तों सीपीयू आपको पता है इंटरनेट से कोई संबंधित नहीं होता इसका, यूपीएस का नहीं होता, और एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका भी आपका कोई भी संबंध नहीं होता इंटरनेट से, ठीक है। तो आपका जो टेलनेट होगा यही आपका इंटरनेट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है। अगर देखो कोई भी कंप्यूटर अगर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या होना आवश्यक है, उसके अंदर दोस्तों काफी सारे ऑप्शन आए थे, लेकिन उसका आंसर क्या होगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आईपी एड्रेस दोस्तों, ठीक है, आईपी एड्रेस आपका जरूर होना चाहिए उसके अंदर,
आईपी एड्रेस आपका दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। और आईपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, आपको पता होगी, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है, आईपी एड्रेस होना दोस्तों आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को पता है जॉयस्टिक और प्रिंटर और स्पीकर, ये आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इसके अंदर आपकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन दोस्तों जो ALU है ये कोई भी आपका ना तो इनपुट डिवाइस होता है ना ही आउटपुट डिवाइस होता है, ये आपका दोस्तों आपके एक पार्ट होता है, किसका, CPU का पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी कंट्रोल यूनिट होती है, MU मेमोरी यूनिट होती है, और ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, इसका आंसर होगा। बाकी आपको दोस्तों आपको बता देता हूं, CPU के दोस्तों आपके कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तीन पार्ट में दोस्तों आपके इस तरीके से तीन पार्ट होते हैं, जिसमें आपके CU कंट्रोल यूनिट, और उसके में दोस्तों ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और बाद में MU यानी मेमोरी यूनिट, ये तीन पार्ट होते हैं आपके CPU के अंदर। तो ये भी किसी चीज का ना तो इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है, तो ये इसका आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको 15 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। और दोस्तों आगे ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, पर ये है कि आपको जो दोस्तों मैं टॉपिक बताया था, इन टॉपिक में से दो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस में से दोस्तों काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस फुल फॉर्म दोस्तों, ठीक है, फुल फॉर्म हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, और दोस्तों एक हो गया अपना जो शॉर्टकट की वाला पोर्शन है, ठीक है। शॉर्टकट की भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो इनमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, 15 में से दोस्तों 8-9 क्वेश्चन तो इन्हीं तरीके से आए हुए हैं, देखो, ठीक है। तो यही है, बाकी दोस्तों बाकी मैंने आपको अच्छे तरीके से सारा समझा ही दिया है। बाकी आपकी जो नेक्स्ट क्लास और आएंगी, जिसमें आपकी इंग्लिश से रिलेटेड आएगी और एक आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड से आएगी, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिर तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।